दोस्तों, आप सब लोग जब आरओ इंस्टॉल करते हैं अपने घर में, तो जो भी कंपनी का आरओ इंस्टॉल करते हैं, तो जो आरओ इंस्टॉल करते हैं, जो इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूटिव होता है, वो आपको ज़रूर एक्सटर्नल फिल्टर इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको ये जो एक्सटर्नल फिल्टर है वो इंस्टॉल क्यों नहीं करना चाहिए, और वो फिल्टर डालने से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको टैप वाटर का पीपीएम जो होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और जो एक्सटर्नल फिल्टर होता है, जो ज़्यादातर जो इंस्टॉलर होते हैं जो आरओ के, वो आपको बोलेंगे लगाने के लिए, उससे कितना डिफरेंस होता है वो जो एक्सटर्नल फिल्टर लगाने से, उसको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये टैप वाटर का पीपीएम कितना है। तो देखिए, जैसे मैंने टैप वाटर लिया हुआ है और इसका पीपीएम मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। देखिए, इसका जो पीपीएम है दिखा रहा है वो 775 या 780, ये पीपीएम है। अब मैं आपको ले चलता हूँ फिल्टर का पीपीएम दिखाने के लिए। जो फिल्टर जो आरओ के साथ एक्सटर्नली आपको फोर्स किया जाता है लेने के लिए फिल्टर, ये देखिए, ये फिल्टर, इसमें मैंने वाटर रखा था फॉर अ डे, एंड उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसका पीपीएम कितना आता है। तो अब देखिए, जैसे मैंने ये फिल्टर वाटर ले रखा है, ये देखिए, और फिर इसका पीपीएम मेजर करते हैं, ये देखिए देखिए इसका पीपीएम 745 है। मतलब ये ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट कर नहीं पाया है वाटर को। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आप इसको लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, जो पीपीएम है, वो 780 था टैप वाटर का, और इसका 745 है। सो ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिसीजन लीजिए कि लगाना है या नहीं लगाना है, और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।